हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कृष्णा जी का बेड बनाने के लिए कॉटन का कपड़ा लिया है। इसको इस तरह से डबल कर लेंगे और इसके दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ से इसको ओपन रखना है। इसमें हाथ से सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप मशीन से सिलना चाहें तो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह का बेड बनाना बहुत ही ईजी रहता है। 10 मिनट में ये बेड बन के तैयार हो जाता है। सिलाई को लॉक कर देंगे इस तरह से डबल करके। दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा रही हूँ। इसमें 4 नंबर तक के कृष्णा जी को सुला सकते हैं। इसको सीधा कर लेंगे, इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे कट लगा के। ये सीधा कर लिया है। अब इसके अंदर फोम को फिल कर देंगे। ये थिक वाला फोम लिया है। इस तरह का फोम कंफर्टेबल रहता है कृष्णा जी का बेड बनाने के लिए। इसको अच्छी तरह से फिल करने के बाद कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ के सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। कृष्णा जी के लिए अलग अलग डिज़ाइन के बेड मेरे चैनल पे मैंने डाले हुए हैं, आप ज़रूर देखें और उन वीडियोस को और ज़रूर बनाएं इस तरह के बेड को। सिलाई लगा ली है, इसको लेस से डेकोरेट करेंगे। चारों तरफ से लेस से इसको अच्छी तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। लेस को अच्छी तरह से स्टिक करेंगे, ग्लू अच्छा थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से स्टिक हो सके। चाहें तो इसको वॉश भी कर सकते हैं। 3 तरफ लगा दिए, एक तरफ और लगा देंगे। ये बेड बनाने में बहुत ही इजी हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इसके कॉर्नर में पतली वाली लेस को स्टिक कर देंगे, ये नीचे की तरफ आएंगी। इस तरह से मैट्रेस बन गया है। अब पिलो बनाएंगे। पिलो बनाने के लिए भी सेम इसी मेथड से कपड़े को डबल करेंगे और दो तरफ से सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ से इसको ओपन रखना है रुई फिल करने के लिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कॉर्नर तक सिलाई ला ली है। अब इसको बंद कर देंगे सिलाई को अच्छी तरह से, इस तरह से डबल करते हुए इसको सीधा कर लेंगे। धागे को कट नहीं किया है अभी। रुई फिल कर लेंगे इसके कॉर्नर्स को सीधा करने के बाद। ज़्यादा रुई नहीं भरेंगे, कम रुई भरेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। पूरे आखिरी तक इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस बेड को समर और विंटर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को सुलाने के लिए। सिलाई लगा ली, सिलाई को बंद कर देंगे। डबल सिलाई लगा के इसको बंद कर दिया है। इसको लेस से डेकोरेट करेंगे। चारों तरफ लेस से अच्छी तरह डेकोरेट कर रहे हैं। इसको ग्लू लगा के लेस को स्टिक कर देंगे। इस तरह से बेड बन के तैयार है। ये पिलो रख देंगे, ये बेड बन के तैयार है। लड्डू गोपाल जी को सुला के दिखा रही हूँ। कृष्णा जी के लिए विंटर का बेड बनाएंगे। यहाँ पे ये वेलवेट के कपड़े लिए हैं। इसको सर्कल में कट कर लिया है। अब इसको इस तरह से एक के ऊपर एक रख के इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में। एक तरफ से इसको ओपन रखना है ताकि इसके अंदर रुई को फिल कर सके। इस तरह से मिलाते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। ये वेलवेट का कपड़ा है तो इस तरह के कपड़े के बेड विंटर्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। लड्डू गोपाल जी को सुलाने के लिए गर्माहट रहती है इसमें। पूरी तरफ इसमें सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस तरह के चीज़ें लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना पसंद करते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए। इसके राउंड में कट्स लगा लेंगे छोटे छोटे और इसको सीधा कर लेंगे। कट्स लगाने से इसको ईजी अच्छी तरह से शेप दे सकते हैं। इसके अंदर कॉटन फिल कर देंगे, ज़्यादा कॉटन फिल नहीं करेंगे। इसको इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ दबाते हुए फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसको पूरा बंद करना है। ये एक तरह का मैट्रेस बना रहे हैं। इस तरह से इसको पूरी सिलाई लगा लेंगे। इसको टोकरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बास्केट में कहीं ले जाना है कृष्णा जी को तो इस मैट्रेस को बिछा सकते हैं। इसके बीच में टक्स लगा देंगे, जिससे एक मैट्रेस बनाते हैं उसी तरह से इसमें टक्स लगा देंगे। इसके पूरे राउंड में इसी तरह के टक्स लगा रही हूँ। पहले थ्रेड और नेडल को इस तरह से डालना है और इसको हल्का सा खींच लेंगे, जिससे इस तरह के टक्स बन जाएंगे।
पूरे राउंड में इसी तरह के टक्स बना देंगे। इसके पहले भी मैंने कृष्णा जी के लिए बहुत अलग अलग डिज़ाइन के बेड, मैट्रेस, पिलोज़ बनाए हैं, आप ज़रूर चेक करें मेरे वीडियोस को। इसको डेकोरेट करेंगे। ये बनके तैयार है। यहाँ पे पर्ल वाली लेस को स्टिक कर रही हूँ। ये लेस लगाने के बाद बेड बहुत सुंदर लग रहा है। पूरे राउंड में इसी तरह से ग्लू लगा के लेस को स्टिक कर देंगे, एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। इस तरह से मैट्रेस बन गई है। अब चादर बनाएंगे उनको उड़ाने के लिए। ये प्लेन कपड़ा लिया है, इसको लेस से डेकोरेट कर लेंगे चारों तरफ से। इस तरह से चादर बन गई है। अब पिलो बनाएंगे। कपड़े को इस तरह से डबल करेंगे और दो तरफ से सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ से ओपन रखना है, कॉटन फिल करेंगे इससे। ये पिलो बनाने में बहुत ही ईजी है। इसको बंद कर देंगे सिलाई को, धागे को कट नहीं करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। इसके अंदर कॉटन को फिल कर देंगे। ज़्यादा कॉटन फिल नहीं करेंगे, हल्का सा ही कॉटन फिल करेंगे। इसको कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। डबल सिलाई लगा के इसको पक्का कर देंगे। इसके सेंटर में लेस को स्टिक कर देंगे। लेस का पैच है और इसके चारों कॉर्नर्स में भी इसी तरह से ये पर्ल लेस को स्टिक कर देंगे। इस तरह से पिलो बन के तैयार है। राउंड वाले पिलो बनाएंगे। राउंड वाले पिलो बनाने के लिए कपड़े को इस तरह से डबल करके सिलाई लगाएंगे। इसके एक ही तरफ सिलाई लगाना है इसको बंद करने के लिए। अब इसको इस तरह से खोल लेंगे और इसके अंदर की तरफ पूरी गोलाई में सिलाई लगाएंगे। बहुत ही इजी है इस तरह की पिलो बनाना। इसको थ्रेड को खींच देंगे इस तरह से और इसको बंद कर देंगे। इस तरह की दो पिलो तैयार करेंगे। इसको सीधा कर लेंगे। इसके अंदर कॉटन फिल कर देंगे। इसको इसी तरह से राउंड में सिलाई लगाते हुए इसको बंद करना है जैसे पहले किया था। इस तरह से अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करते हुए थ्रेड को खींच लेंगे इस तरह से। पिलो को डेकोरेट कर लेंगे ग्लू से। पर्ल लेस को स्टिक कर रही हूँ। इस तरह से स्टिक कर लिया है और इसके दोनों तरफ इसी लेस के पैचेस को स्टिक कर देंगे। इस तरह से पिलो बन के तैयार है। ये पूरा बेड सेट बन के तैयार है। कृष्णा जी को सुला के दिखा रही हूँ। थैंक यू।